x square minus y square is equal to 9 and xy is equal to 3. हमारे पास ये दोनों की वैल्यू गिवन है, तो हमें फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू. कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं आज इस वीडियो में. हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. हम इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करने से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू. तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 81. अब हमारे पास x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. हमारे पास x एंड y की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2xy की पावर वैल्यू गिवन है, तो xy की जगह हम लिख दें 3. 3 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 81. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 होगा 9. 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 18 इक्वल टू 81. अब हम यहां से x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे. x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 81 प्लस 18 हमारा उठ के वहां पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 99. x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 99. अब हमारे पास x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4 एक और तरीके से आ सकता है. अगर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, तो अगर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी. तो हम ये करते हैं, तो हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू हम x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे हम 99 लिख देंगे. एंड x एंड y की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या 3, तो हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 18. 99 प्लस 18 ये हो जाएगा 117. तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 17. यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब 117 का रूट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3√13. हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3√13. अब हमें आइडेंटिटी एक पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy. तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या 3√13, प्लस अगेन हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू पता है 3. यहाँ पे पुट कर दे 3√13. 3√13 प्लस 2.3. 2.3 हो जाएगा 6, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस y. अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 3√13 प्लस 2 अंडर रूट. तो हमारे पास फाइनल एक्स वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3√13 प्लस 2. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. यही हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी.